Very, very good morning to all my dear little students. How are you? Today in the Maths Magic textbook, we are going to start a new lesson that is your lesson number 12. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is Can We Share? Now, this is your lesson number 12. First of all, write today's date 3 3 2021 and classwork. It is on page number 160. डियर चिल्ड्रन यू शुड फर्स्ट नो वट इज द मीनिंग ऑफ कैन वी शेयर मतलब हम जो है कैन वी शेयर हम कितनी चीजें हम क्या क्या चीज़ें कैसे शेयर कर सकते हैं दैट मीन्स हाउ कैन वी डिवाइड द थिंग्स इक्वली हम कोई भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं दैट इज़ द कैन वी शेयर इन अदर वर्ड्स इज नथिंग बट डिविजन ये जो डिविजन होता है जो हम सीखते जैसे एडिशन सीखा सब्ट्रैक्शन सीखा मल्टीप्लीकेशन किया और अब नेक्स्ट मेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स इज द डिवीजन तो ये डिवीजन मतलब कैन वी शेयर डिवीजन हमेशा इक्वली होता है अगर हम किसी को पांच जनों के बीच में अगर हम चॉकलेट्स डिवाइड करते हैं तो हर पांच को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले दैट इज कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन ये जो सिंबल है एक लाइन और उसके नीचे और ऊपर डॉट है दिस इज कॉल्ड एज द सिंबल ऑफ डिवीजन ये अगर होगा इसका मतलब है आपको दो नंबर्स के बीच में अगर ये सिंबल रखा हुआ है दैट मींस यू हैव टू डिवाइड दिस टू नंबर्स और डिवीजन में हमेशा इक्वल शेयरिंग ही होता है ऐसा नहीं होता कि एक में ज़्यादा हो गया एक को कम हो गया ऐसा नहीं होता है इट इज डिवीजन इज ऑल अबाउट शेयरिंग थिंग्स इक्वली तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं लेट एस सी दैट हाउ मेनी इन ईच ग्रुप नाउ हियर यू कैन सी सम बटरफ्लाइज़ वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाउ दे इज अनदर ग्रुप अगेन वन टू थ्री फोर एंड फाइव दैट मीन्स टू ग्रूप्स आ देर एंड इन ईच ग्रूप हाउ मेनी बटरफ्लाईज आ देयर फाइव बटरफ्लाईज आ देर इन ईच ग्रूप हर ग्रुप में कितनी बटरफ्लाईज हैं फाइव बटरफ्लाईज है इसमें भी फाइव हैं और इसमें भी दोनों में फाइव फाइव बटरफ्लाईज हैं तो देर आर टेन बटरफ्लाईज तो टोटल कितनी बटरफ्लाईज हुई फाइव ऑफ दिस एंड फाइव ऑफ दिस देर आर टेन बटरफ्लाईज देर आर इन टू ग्रुप्स देर आर देर आर फाइव बटरफ्लाईज इन ईच ग्रूप टोटल टेन बटरफ्लाइज है और हर ग्रुप में फाइव फाइव बटरफ्लाइज है और कितने ग्रुप्स हैं दो ग्रुप्स हैं वन ग्रुप इजेस एंड द अदर ग्रुप एजेस

ट्वेंटी देर आर ट्वेंटी है एक ग्रुप में कितने हमने काउंट की सेवन काउंट की सो देर आर सेवन कैटर पिलर इन ईच ग्रुप एक ग्रुप में सेवन कैटर पिलर है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर थ्री एंड टोटल नंबर ऑफ कैटर पिलर्स आर ट्वेंटी नेक्स्ट एग्जाम्पल Here you can see the lovely laddus are there, 1,2,3 and 4 plates are there of laddus and in each plate how many laddus are there, 3 laddus are there. So first we will count the total number of laddus, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 and 12. So there are 12 laddus, they are in how many groups, 1,2,3 and 4, they are in 4 groups or how many laddus are there in each group. 1, 2, and 3. Matlab plate mein kitne laddu 1, 2, and 3 laddu's. So there are 3 laddu's in each group. Total 12 laddu's are there. There are 4 groups of uh, these 12 laddu's, and each group has 3 laddu's. Moving on to next page, that is your page number 162. Now here you have to draw some stars. Draw 18 stars. पुट देम इन टू इक्वल ग्रुप्स हमको 18 स्टार्स ड्रॉ करने हैं और हर दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स होने चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 18 को हम जो है वो टू से डिवाइड करेंगे लेकिन हम अभी हमको डिवीजन नहीं आता है तो हम टू से कैसे डिवाइड करेंगे इसलिए हम पहले यहाँ पर ऐसा करते हैं एट स्टार्स बना लेते हैं नाइन स्टार्स बनाते हैं इस तरफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन हमने बनाए और दूसरी तरफ भी हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन बनाते हैं तो नाइन और नाइन कितना हुआ वी विल इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन दोनों तरफ हमने नाइन नाइन ड्रॉ किए तो हमारे पास कितने आए एटीन स्टार्स टोटल हो गए अगर आपको समझ में नहीं आता कि हम एटीन को कैसे डिवाइड करें एक इधर ड्रॉ करिए एक इधर करिए फिर वापस इधर इधर ऐसे एक एक स्टार दोनों में ड्रॉ करते जाइए टिल यू गेट द नंबर ऑफ एटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टार्स गेट इज नाइन इन ईच ग्रुप देयर आर नाइन स्टार्स इन ईच ग्रुप नेक्स्ट इज ड्रॉ एटीन बीड्स यहाँ पर मैंने टोटल एटीन बीड्स ड्रॉ किए हुए हैं अब इन एटीन बीड्स को हमको कितने ग्रुप में डिवाइड करना है पुट डेम इन थ्री इक्वल ग्रुप्स मतलब हमको थ्री इक्वल ग्रुप्स में इन बीड्स को डिवाइड करना है तो हम पहले क्या करेंगे देखिए एक बीट जो है अगर थ्री इक्वल ग्रुप्स में करना है दैट मीन्स एटीन डिवाइडेड बाई थ्री तो हम वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पहले हम सिक्स का एक ग्रुप बनाते हैं फिर जो है सी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज योर वन ग्रुप फिर दूसरे सिक्स काउंट करें देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये सेकेंड ग्रुप हो गया अब रिमेनिंग सिक्स हैं कि नहीं है वो देखते हैं अगर सिक्स है तो थ्री ग्रुप्स इक्वल हो गए देन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो टोटल सिक्स ये भी हो गए तो ये तीन ग्रुप हो गए वन टू और थ्री और हर ग्रुप के अंदर हमने कितने कितने बीट्स रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बीट्स आते हैं तो so, हमको हर स्ट्रिंग के अंदर जो है कितने बीट्स ड्रॉ करने हैं सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज योर सेकेंड ग्रूप एंड देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस इज योर थर्ड ग्रुप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हर स्ट्रिंग में हमने कितने बीड्स डाले सिक्स सिक्स बीड्स देर आर सिक्स बीड्स इन ईच ग्रुप दिस इज योर ग्रूप वन दिस इज योर ग्रूप टू एंड दिस इज योर ग्रुप थ्री 163 share the grains now here you can see what is written here first we'll read that mummy bird brings 12 grains these are the grains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 grains are there how to distribute equally mummy bird starts giving 1 1 grain to each baby now how many babies are there 1 2 3 and 4 babies are there तो हर बेबी को पहले उन्होंने क्या किया 12 ग्रेन्स टोटल लेकर आई मम्मी बर्ड और देर आर फोर बेबीज तो हर बेबी को पहले वन वन ग्रेन दिया अब उसके बाद वापस मम्मी बर्ड ने हर बर्ड को एक एक और ग्रेन दिया तो दो ग्रेन्स हो गए तो अब कितने ग्रेन्स बचे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ग्रेन्स यूज हो गए दैट मीन्स आउट ऑफ टोटल एट यूज हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ग्रेन्स जो है यूज हो गए अब कितने बचे हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर ग्रेन्स आर लेफ्ट और बेबीज कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर दैट मीन्स वन वन ग्रेन स्टिल ईच बेबी कैन गेट तो बेबी ईच बेबी हैज गॉट टू ग्रेन्स नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट फोर ग्रेन्स आर लेफ्ट हमने अभी काउंट किया फोर ग्रेन्स आर लेफ्ट फ्रॉम दिस हमने जो एट यूज किए तो बच्चे कितने फोर आर लेफ्ट तो फोर ग्रेन्स हो गए शी पुट्स वन मोर ग्रेन इन ईच बेबीज माउथ All the grains are finished. Now, her baby ko kitne grains mile 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, and 3 grains. So all the 4 baby birds have got 3, 3 grains. So how it has been divided? 12 grains have been divided. Yes, underline this among four baby birds. Each baby bird has got three grains. So this is how we write the division: 12 divided by 4 total number of grains are 12, number of chicks are baby birds are 4. So, how much each baby bird will get? Three grains each baby bird will get. This is the answer three. That you can see one, two, and three grains each baby bird has got. This is the total number of groups, and this is the number of grains in each group. the total number of grains here, your number of groups, hai, or number of grains in each group. It's like this. So, this is the way you have to divide. Now we move on to the next page. These are some more drawing work that you have to do it here now try this gopu has three plates of jalebis each plate has different numbers of jalebis as you can see plate a has only one jalebis. plate b me kitni hai 1 2 3 4 and 5 jalebis and plate c me 1 2 and 3 jalebis so first we will find out how many total number of jalebis are there 5 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, total how many jalebis are there? 9 jalebis are there. Now, draw the jalebis on the plates below so that each plate has the same number of jalebis. That means these 9 jalebis we have to distribute equally in 3 plates that are given here. Now, how we have found out 9? 1 plus 5 plus 3 that is equal to 9. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इन थ्री प्लेट्स में जलेबीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है सबसे पहले हर प्लेट में हम वन 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 जलेबीज यूज करेंगे तो नाइन में से हमने थ्री लेस कर दी तो नाइन में से हमने थ्री कट की दैट इज इक्वल टू सिक्स जलेबीज अब अगली बार वापस हमने वन टू और थ्री एक एक और जलेबीज की तो सिक्स में से थ्री लेस किया नाउ थ्री जलेबीज आर लेफ्ट फिर अगर हमने एक एक ड्रॉ की वन टू एंड थ्री नाउ थ्री माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स नो जलेबीज आर लेफ्ट दैट मीन्स इन ईच प्लेट हाउ Many jelly bees are there? Plate A, plate B, and plate C all have got three three jelly bees each. That means how many jelly bees were there altogether Nine. How many jelly bees are there in each plate? Three. Discuss in the class how you found the answer. This is very simple. First put one one jelly in each, then again put one one jelly in each, and then third time also put one one jelly in each. You will get the equal distribution of jelly bees on all the plates. Now, moving on to the next page, sharing them equally. Now, here you can see there are certain bananas are there. How many bananas are there? Six bananas. One, two, three, four, five, and six bananas are there. And how many monkeys are there? One, two, and three monkeys are there. You all know that monkeys love to eat bananas. There are three monkeys.

If uh, six bananas divided into three equal parts, that is two bananas each, six divided by three is two. If there are six bananas, then two monkeys. तो कैसे होगा अगर सिक्स बनानास हैं और टू मंकीज हैं तो पहले हम दोनों मंकीज को एक एक बनाना देंगे तो सिक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू फोर फिर दूसरी बार हम फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू देन टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स अगर सिक्स बनानास हैं और टू मंकीज हैं तो हर मंकी को थ्री थ्री बनानास मिलेंगे यू कैन सी थ्री हियर एंड थ्री बनानास हियर वन टाइम सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम दैट मीन्स बोथ द मंकीज गेट थ्री थ्री

66 is if there are 60 bananas and 2 monkeys, how many each will get? If there are 60 bananas and monkeys, number of monkeys is 2, that is 60 divided by 2, 30 bananas. Here you have to set the table of 2 till you get 6. So we will get 3, 2s are 6, and 0 is on. We will put the 0 like this. 5 friends found 10 rupees. 5 10 5 rupee coins on the ground, they shared them equally. Each friend will get 10 rupees. Now, here you can see that 10 friends found 5 rupee coins, that means 10 coins of 5 rupees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. फ़ाइव एंड फाइव टेन एंड फाइव 15, ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी रुपीज़ तो टोटल फिफ्टी रुपीज़ हुए तो हर फ्रेंड को कितने मिलेंगे फाइव फ्रेंड्स हैं फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव दैट इज इक्वल टू टेन रुपीज़ इफ़ देर आर सिक्सटीन टेन रुपी नोट्स एंड फोर फ्रेंड्स टू शेयर देन फिफ सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू फोर दैट मीन्स अगर सोलह दस रुपये के नोट्स हैं और फोर फ्रेंड्स हैं तो टोटल कितने हुए देखिए वन सिक्सटी रुपीज हुए टेन नोट्स ऑफ रुपी सिक्सटीन ऑफ़ रुपीज टेन तो सिक्सटीन 160 और वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर तो दैट इज इक्वल टू फोर्टी रुपीजी डिवाइडेड बाई फोर इज फोर एंड फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन इज फोर्टी पहले सिक्सटीन को हम जो है वो फोर से डिवाइड करेंगे तो आंसर फोर आएगा और उस फोर को फिर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो फोर्टी आएगा तो ईच फ्रेंड विल गेट फोर्टी रुपीज नेक्स्ट इज फाइव फ्रेंड्स फाउंड हंड्रेड रुपीज इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच ईच व Get total number of friends are 5 and amount is 100. So 100 divided by 5 that is equal to 20 rupees.

ये, ये रोप जो थर्टी मीटर्स रोप थी अगर उसकी लेंथ अगर थर्टी सिक्स मीटर्स हो जाती है और उसके अगर हमको थ्री इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हर चाइल्ड को कितनी रोप मिलेगी तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्थ थ्री जर्टी सिक्स एंड इफ देर आर सिक्सटी मीटर्स ऑफ रोप हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट अगर ए इस रोप की लेंथ 60 मीटर है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स थ्री 20, twos are 6 and 0 so 20 meters each child will get moving on to next page is your how many shelves is your new topic there you can see that there is a bookshelf that is shown here and 1 2 3 and 4 shelves are there in this uh, almira or the bookshelf is there almira ke under, 4 alag alag shelves hai so her shelf can the kidney books that you have to find out we should know the number of books i have 20 books i can keep 5 books in one shelf that means 1 2 3 4 and 5 in one shelf 5 books are there then how many shelves do i need in 1 in my almira? total number of books are 20 and you have to place these 5 books in the shelf. So how many shelves will be needed? Five is me ho two three me five okay 10, three three me five okay fifteen or fourth me five okay twenty. So you need four shelves to keep these twenty books if you keep five five books in one shelf that is twenty divided by five is equal to four shelves five books in the first shelf there 15 are left then five more books in the second shelf 10 are left then five more in the third shelf now five are left and five more in the fourth shelf nothing is Left. So, all the 20 books are divided like this. You can write like this in the subtraction manner 20 minus 5, 20 minus 5 that is equal to 15, then 15 minus 5 now 10 remain, then 10 minus 5 is equal to 5, and next is 5 minus 5 that is equal to 0. So, this way you can see that 4 shelves are needed to

अ टेलर पोर्ट्स फोर बटन ऑन वन शर्ट अगर एक शर्ट के अंदर चार बटन रखते हैं तो हम चार का ग्रुप बनाएंगे एक दो फिर देखो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एट एंड नाइन टेन अब ये दो और ये दो बटंस को लो तो चार एक ग्रुप हो गया फिर ये वन टू थ्री फोर वन ग्रुप एंड वन टू थ्री फोर अनदर ग्रुप देन टू वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर सो हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव मेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ग्रुप्स वी हैव मेड सी नाव देर आर सेवन शर्ट्स विथ बटन्स तो अब कितने शर्ट में बटन लग सकते हैं हमने सेवन ग्रुप्स बनाए दैट मीन्स सेवन शर्ट्स इन सेवन शर्ट कैन पुट दीज फोर फोर बटन ईच सो हावी शर्ट आर देर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन शर्ट्स आर देर एंड यू कैन सी दैट इन ईच शर्ट वन टू थ्री एंड फोर बटंस आर देर we have already made seven groups as you can see of four four buttons now see there are seven shirts with buttons so 28 divided by four is equal to seven now

Each shirt will uh, then there will be four shirts with buttons. That is 28 divided by 7 is equal to 4. So, so many four groups when I seven buttons in one group. So there are total four groups of seven seven buttons each. And if there are four buttons, then there will be seven groups of four four buttons each. Like this, 28 divided by four will give you seven, and 28 divided by seven will give you four. So dear children, till uh, today we will complete. Our lesson up to this point. Next time, we'll continue with our lesson. Till then, bye bye and have a nice day. Bye.